श्रद्धा मर्डर केस की छानबीन को एक हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत तलाश नहीं पाई है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर पहुंची है। फ्लैट पर फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा ताकि मर्डर मिस्ट्री के अधूरे सिरों की तलाश पूरी हो सके। कल आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें सुबह 4 बजे वो बैकपैक और एक डिब्बा लेकर जाते हुए नजर आया। इसके अलावा श्रद्धा के दोस्तों और आफताब के दोस्तों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जंगल से बरामद हड्डियों की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच करवाई जा रही है। जंगल में हथियार की तलाश भी कल दिन भर की गई। आफताब के घर फिर पहुंची है दिल्ली पुलिस और सबूत खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा अपडेट दिखा रहे हैं आपको। फ्लैट पर क्राइम सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस में पुख्ता सबूतों की तलाश लगातार जारी है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए कई टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा आज फिर आफताब के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है और तमाम सबूत वहां से भी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी पुलिस। एक बार पहले भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस प्रक्रिया को किया जाएगा जिससे कि समझ आ सके कि ये क्राइम आखिर हुआ कैसे, कैसे आफताब ने इस अपराध को अंजाम दिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हिमांशु के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, लगातार देखिए इस पूरे मामले में तफ्तीश तो तेज हो रही है, लेकिन अगर इस मर्डर केस के अपडेट की बात की जाए तो क्या ताजा वो जानकारी है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, 10 दिन की टोटल रिमांड, 5-5 दिन करके टोटल मिली हुई थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें से आज 8वां दिन है, यानी आज के बाद 2 दिन और पुलिस के पास है और इसी 2 दिन में पुलिस को नार्को टेस्ट भी करवाना है। अब पुलिस क्या कर रही है कि जो हिमाचल से सबूत मिले, जो उत्तराखंड से मिले, मुंबई में जो उनके दोस्तों उनके परिवार वालों की जो बयान दर्ज हुए और उसके बाद मेहरौली के जंगल और जो गुड़गांव के जो प्लॉट जो झाड़ियों में से पुलिस को बरामद हुई कुछ हड्डियां, उनका फोरेंसिक कराने के बाद पुलिस डीएनए कराएगी। लेकिन साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम आप देखिए यहां पर एक बार फिर से पहुंची हुई है। आफताब यहीं पर किराए का मकान लिया हुआ था उसने, जहां पर वो श्रद्धा के साथ कुछ ही दिन रहा था और उसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़ों को आसपास के इलाकों में जो जंगल का इलाका वहां पे फेंक दिया था। अब पुलिस इन तमाम जो कड़ियां जो पुलिस की अलग अलग टीम गई हुई है वो सारे जो सबूत मिल रहे हैं उन सारी कड़ियों को पुलिस जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस को लग रहा है कि आफताब ने उनको कई मौकों पर गुमराह किया और यही वजह है कि नार्को टेस्ट पुलिस कराना चाहती है ताकि अगर किसी तरीके से गुमराह पुलिस की जांच या पुलिस की जांच में कोई कहीं कुछ मिसिंग एलिमेंट हो तो उसको पूरा किया जा सके। दरअसल नार्को से पुलिस को ये लग रहा है कि जो भी सच छुपाया होगा आफताब ने वो पुलिस को पता लग जाएगा और जांच के बाद उस चीज को पूरा कर सकती है पुलिस। तो फिलहाल आज 8वां दिन है, 2 दिन और पुलिस के पास है रिमांड का, जिसमें पुलिस को नार्को भी कराना है। किसी पुलिस अधिकारी से भी हिमांशु आप बात कर पाए हैं? क्योंकि शुरुआत से ही हम लगातार एक बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस पूरे मामले में सबूत जुटाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि वो चुनौतियां कहीं से भी, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, कम हुई है या अभी भी चुनौतियां बरकरार है? देखिए, इतने दिनों में ऐसा नहीं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला, पुलिस को काफी कुछ मिला है। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो बयान दर्ज किया पुलिस ने आफताब का, उसके आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो झूठ जो था आफताब का वो सामने आने लगा। सबसे पहला झूठ था यही था, उसने जो पुलिस के सामने बयान दिया था कि 22 मई को वो यहां से निकल के चली गई थी, अपने सिर्फ फोन लेकर के गई थी, लेकिन 26 मई और 31 मई को यही इसी इलाके से लोकेशन निकल के आया है श्रद्धा का, जिसमें उसके मोबाइल से एक बार ट्रांजेक्शन किया गया और एक बार सोशल मीडिया पर अपने जो श्रद्धा का दोस्त था उसको जवाब दिया गया है। तो इन सारी चीजों से ही उसका झूठ सामने आने लगा था और उसके बाद फिर से पुलिस ने जब उसकी पूछताछ की, उसकी टेक्निकल सर्विलेंस किया और लोकेशंस निकाली कि पिछले 18 मई के बाद से उसकी क्या मूवमेंट रही है, तो इन मूवमेंट की जब जानकारी पुलिस ने निकाली तो फिर पुलिस की टीम गुड़गांव भी गई, जहां पर वो जाता था, जो उसका ऑफिस था आखिरी, वहां पर पुलिस की टीम गई, वहां झाड़ियों में पुलिस ने छानबीन की और वहां से भी
पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज मिले हुए हैं। तो इन सारी चीजों को पुलिस जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है, इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जो पुलिस की टीम जो मुंबई और हिमाचल और उत्तराखंड गई थी वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करके वापस आने वाली है। तो इन सारी चीजों को कंपाइल किया जाएगा, इन सारे सबूतों को कंपाइल किया जाएगा और मिसिंग जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहां पर पुलिस के पास डे वन से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और यहीं पर एक सीसीटीवी भी चलाया था जिसमें क्लियर आज तक ने चलाया था, जिसमें दिखा था कि वो 18 अक्टूबर का है वो सीसीटीवी, जिसमें कुछ लेकर जाता हुआ बैग में नजर आया है जी। तो इस चीज की भी पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या उसने जो ये बात शुरुआत में बोली थी मल्लिका कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते तक उसने जो पूरे बॉडी पार्ट्स थे उनको ठिकाने लगा दिया है, तो क्या इस मुद्दे को इस पॉइंट्स पर भी आफताब ने पुलिस को झूठ बोला है, तो इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। हिमांशु बने रहिए आप मेरे साथ और कुछ और जानकारी हम दर्शकों को दे दें। मुंबई से शुरू हुई मोहब्बत दिल्ली की हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई। पुलिस इस कहानी के सिरे तलाशते तलाशते कुल्लू तक जा पहुंची, जहां 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफताब कुल्लू के तोश गांव के एक गेस्ट हाउस में रुके थे। गेस्ट हाउस के रजिस्टर से लेकर पेमेंट अगर चेक की जाए हर डिटेल पुलिस खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार अब पुलिस मनाली के होटल में भी पूछताछ के लिए लिगुरा ग्राम के जंगल में भी हथियार की तलाश में जुटी है। मैरोली के जंगल से मिले अलग अलग हड्डियों के कई टुकड़ों के बारे में फोरेंसिक टीम ने जानकारी भी दी है। दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो इन हड्डियों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की है। हालांकि इन हड्डियों को श्रद्धा की हड्डियां है या नहीं इसको लेकर के अभी और जांच होनी बाकी है। और इसके अलावा आफताब के क्राइम रिकॉर्ड, उसके बर्ताव और उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस बारे में क्या कुछ कहना है आफताब के दोस्तों का, जानने के लिए हमने बात की आफताब के उस दोस्त से जो उसे पिछले 15 साल से जानता है। क्या कहना है निशांक मोदी का, आप भी सुनिए। निशांक ये बताइए, आप आफताब को कब से जानते थे? क्या आप उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां पर आफताब रहता था वसई में? हाँ, मैं वही बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं बहुत सालों से जानता हूँ आज से, मतलब समझो 12-13 साल से। मैं जब से, मेरे को तो आते ही 20 साल हो गए बिल्डिंग में, जब से मैं हूँ तब से जानता हूँ। हम लोग सब साथ में खेलते थे नीचे, मतलब बिल्डिंग में, जैसे ही सब लोग स्कूल से आए और अपना सब छोड़ के आ गए बैग वगैरह, फिर बाद में हम लोग सब साथ में ही खेलते थे, जो भी सब साथ में ही था हम लोग का। निशांक ये बताइए, आफताब का जो व्यवहार था वो कैसा था, किस तरीके का लड़का था वो? व्यवहार में तो कैसा, जब हम लोग खेलते थे तभी तो उसका व्यवहार जो आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ वैसा तो वो टाइम पे कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग सब बच्चे थे। अभी किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं वो तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सब बचपन में कैसा साथ में खेलने कूदने वाले वैसा था, तो व्यवहार तो वो टाइम पे सबका नॉर्मली जैसा रहता है वैसा ही व्यवहार था, ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। कभी ऐसा लगा कि आफताब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वायलेंट नेचर का है? नहीं, ऐसा कुछ कभी लगा ही नहीं, क्योंकि कैसा सब नॉर्मली नेचुरल जो अपना लाइफ में चलता है वैसे ही सब हिल मिल गुल के सब साथ में खेलते थे वो टाइम पे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसका थोड़ा नेचर चेंज हो गया या बिहेवियर चेंज हो गया, ऐसा कुछ लगा ही नहीं हम लोग को। सोसाइटी में कभी किसी से झगड़ा मारपीट कभी कुछ हुआ था आफताब का? नहीं, ऐसा तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ अभी भी मैं यहाँ पे ही रह रहा हूँ, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है मारा मारी होते हुए या कुछ करते हुए, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है, झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। निशांक ये बताइए, आखिरी बार आप आफताब से कब मिले थे? आखिरी बार तो मेरे ख्याल से वो शायद तक बहुत 3 या 4 साल पहले शायद उनकी फैमिली को छोड़ के वो चला गया था, अलग रहने को चला गया था, बस वो टाइम पे देखा रहेगा, उसके बाद में मैंने देखा ही नहीं। जब से लॉकडाउन है उसके पहले 1-8 साल पहले देखा था, उसके बाद वो फैमिली को जब से छोड़ के गया उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। उसके बाद से आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं नहीं, उसके बाद से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं, कुछ बात ही नहीं, कुछ नहीं। आपको पता था कि वो श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ लिव इन रह रहा है वसई में? नहीं, ऐसा कुछ वो टाइम पे भी नहीं मालूम था, ये तो सब अभी जो न्यूज में आ रहा है वो देखने के बाद फिर मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा था करके, वो टाइम पे तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कर रहा है वो या होने वाला है या कुछ था उसका किसी के साथ में, वो टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। श्रद्धा का खून करके उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए उसने और फिर उसके बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, ये सब पता चला है अभी पुलिस को जांच पड़ताल में इन्वेस्टिगेशन में। आप जो पहले का आफताब जानते हैं, जो आपके साथ आप ही के बिल्डिंग में रहता था, वो लड़का ऐसा कर सकता है ऐसा कभी आपको लगा था?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लड़का ऐसा था पढ़ने लिखने में एकदम आगे, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम मैच्योर था पढ़ने लिखने में, और उसका इंग्लिश भी एकदम पावरफुल था, और वो जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई भी कर चुका था, और उसका जॉब ऑलरेडी था कॉल सेंटर में, और जॉब कर रहा था साथ में, कुछ होटल मैनेजमेंट का भी सीख रहा था, तो इस सब से तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। श्रद्धा के दोस्त बता रहे हैं कि आफताब कैसे धोखा देकर बेरहमी करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा। एक बार फिर से हम हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हिमांशु, दोस्तों के जो बयान है वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। श्रद्धा के दोस्त एक तरफ कहते हैं कि वो इस बात से वाकिफ थे कि बहुत खतरनाक इंसान था वो, और जिस तरह से उसका रवैया था श्रद्धा के प्रति वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दूसरी तरफ जिस तरह से हमने निशंक की बात सुनी जो कि आफताब का पुराना दोस्त है, वो कहता है कि कभी ऐसा लगा ही नहीं उसको देख करके कि उसके अंदर इतना गुस्सा है या फिर वो इस तरह का भी कोई कदम उठा सकता है। इससे क्या समझ में आता है उसकी मानसिकता को लेकर? देखिए जो वक्त इस दोस्त ने निशंक ने बिताया आफताब के साथ, वो ज्यादातर वक्त की जो बात कर रहे हैं वो बचपन की बात कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने क्लियर कहा कि न तो उन्होंने इस दिशा में इस बारे में सोचा और न कभी उन्हें एहसास हुआ। स्कूल से आए, खेलने चले गए, और उसके बाद जब एक बार जब पढ़ाई आपकी पूरी होती है तो सब लोग जॉब की तलाश में जुट गए, तो उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपके साथ क्या उतार चढ़ाव होता है, किन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, वो एक अलग बात है। जो दोस्त हैं जिन्होंने, जो कॉमन फ्रेंड हैं, जो श्रद्धा को भी जानते थे, जो आफताब को भी जानते थे, उन्हें वो कहानी पता है जो श्रद्धा ने आफताब के साथ जो फेस किया और उनको जाके बताया। कई चैट आ चुके हैं, डॉक्टर की भी बयान आ चुके हैं, उनके चोट लगा हुआ चेहरे की फोटो हमने चलाया है जिसमें साफ दिख रहा है। जी हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए कि मैं लौटूंगी आपके पास, और एक बार फिर से हम श्रद्धा के दोस्तों का क्या कहना है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रद्धा के दोस्त ये बताते हैं कि आफताब उसे धोखा देता था, बेरहमी उसके साथ करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा, तभी तो लाख जुल्म के बाद भी श्रद्धा उसकी साजिशों को समझ नहीं सकी। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत सुराग दिमागों चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है, आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है? क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है, तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पैरी का। और सबसे अहम नाम है विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता।
मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी, तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं, आफ्ताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी, बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे पर हमला कर दोगे, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफ्ताब के अत्याचार का अंत नहीं, जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं आफ्ताब द्वारा, जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि उसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद ओटीटी पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।